now I'm sharing my screen, or I think I share my screen. Is it visible? Recording is also started. Okay. So today it's a day second, and yesterday I have covered up some basic fundamental of SAP and history of SAP, how the SAP has come in the market, when it's come in the market, each and everything we have described. Okay. What is the ERP? What kind of ERPs are available in the market? Why SAP is better than two others? What kind of modules are available in the SAP, like a technical module, a functional module? Some example of a technical modules as well as functional module also I have given yesterday. And all these modules, which modules is the very famous and very demandable module in the market, that is the finance and controlling. Why the finance and controlling module is most important and demandable, already I told you yesterday, because everything, every industry has depending upon a finance and accounting. Without finance, and they cannot get a report and each and everything. So this Excel which I am saving, which all the sheet has been prepared well. So after today's class, I will share with you. Okay. Every Saturday and Sunday, whatever the classes will be done in the further. I will share on the Sunday evening, or because the recording you are getting same time. Whatever the we have studied, the recording you are getting the same time. Okay. Excel जो है मैं आपको संडे को भेज दिया करूंगा, या फिर जब भी वो होगा वो मैं आपको शेयर कर दूंगा. अभी मुझे आपको आपको कुछ नोट्स भी शेयर करने हैं, जो कि अभी नहीं, जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, व्हेन वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल, देन आई विल शेयर द दैट नोट्स आल्सो. ओके, सो लेट्स कम विद द टुडेज क्लास. टुडे इज आल्सो थ्योरिकल पार्ट, एंड सम इम्पोर्टेंट थिंग आई वांटेड टू टीच यू, लाइक एसएपी लेयर्स. ओके, एसएपी R3 लेयर्स. ओके, व्हाट इज द एसएपी R3 लेयर्स? एक्चुअली एसएपी इज रिपेयर, एसएपी इज वर्किंग ऑन अ R3 लेयर. विदाउट दिस थ्री लेयर वी कैन नॉट एक्सेस, वी कैन नॉट ऑपरेट एसएपी. व्हाई द टैली? ओके, व्हाई द टैली इज द मोस्ट कॉमन इन द मार्केट. यू कैन सी इट, हुएवर इज वर्किंग इन समथिंग अबाउट नॉलेज, हुएवर इज अ नॉलेज अबाउट अकाउंटिंग, आइदर इज अ बीकॉम, बीकॉम, CMA, ICAW, वट एवर जो भी है, आपने देखा होगा सबके सिस्टम में टैली बहुत इजीली वे में मिल जाता है. गए हमने डाउनलोड किया, डाउनलोड करके ले लिया. बट यू नो SAP आपको जल्दी नहीं मिलेगा, SAP जल्दी मार्केट में अवेलेबल नहीं होता. वाई दिस इज नॉट अवेलेबल? बिकॉज दिस थ्री लेयर, ठीक है, और ये जो तीन लेयर है, कहीं ना कहीं ये SAP के लिए और हम सबके लिए अच्छा है. दिस इज अ वेरी बेनिफिशियल. अगर कहीं ना कोई फाउंडेशन नहीं होता, तो आज भी ये भी टैली की तरह वेरी कॉमन होता, और एवरीवन कैन गो विद द ऑनलाइन द गूगल क्रोम, एंड दे आस्क विद द गूगल क्रोम की हाउ टू डाउनलोड टैली सेटअप, या डाउनलोड SAP सेटअप. तो SAP सेटअप डाउनलोड कर लेता, फिर इंस्टॉल कर लेता, फिर काम करने लगता, तो सबके घर में तो कॉमन हो जाता, तो इसकी मार्केट डिमांडेबल भी कम हो जाती, ठीक है. बट SAP क्या है कि वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है. मार्केट में ज्यादा अवेलेबल ना होने की वजह से होता क्या है कि मार्केट में इसका एक अलग ही स्टेटस बना हुआ रहता है, ठीक है. इसका डिमांड आने वाले समय में भी बना रहेगा. और वो थ्री लेयर्स कौन कौन से होते हैं, देखो SAP जो काम करता है, SAP इज वर्किंग ऑन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री लेयर. विदाउट ऑफ दिस थ्री लेयर एनी सिंगल लेयर, ठीक है, विदाउट ऑफ एनी सिंगल लेयर SAP कैन नॉट बी कंप्लीटेड. फर्स्ट लेयर, पहला लेयर जो कौन सा होता है, जो फर्स्ट लेयर होता है वो होता है आपका डेटाबेस लेयर, डेटाबेस लेयर. एंड सेकेंड लेयर, एप्लीकेशन लेयर. ओके, इफ यू टॉक अबाउट अ थर्ड लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर. प्रेजेंटेशन, दिस थ्री लेयर्स, डिपेंडिंग अपॉन दिस थ्री लेयर SAP इज वर्किंग. ओके, विदाउट एनी लेयर ऑफ दिस थ्री SAP कैन नॉट ऑपरेट दिस. तो SAP जो होता है वो तीन लेयर के थ्रू. पहला होता है डेटाबेस लेयर. डेटाबेस लेयर क्या होता है?
डेटाबेस लेयर इन द सेंस ऑफ अगर मैं बात करूँ तो डेटाबेस लेयर एक तरह से वैसा लेयर है जो एसएपी में जो भी डेटा हम सेव करते हैं वो किसी ना किसी एक एप्लीकेशन या फिर आप कह सकते हो कि एक डेटा में सेव होता है, और वो जो डेटा जो सेव होता है उसको हम कभी भी डिलीट नहीं कर सकते। पता है एसएपी में द मेन थिंग इज एसएपी में जो भी बंदा कुछ भी करेगा ना और वो सोचे कि रॉन्ग एंट्री, आई हैव पुटेड अ रॉन्ग एंट्री, आई कैन गो विद द डिलीट ऑफ दिस वन, तो टैली में ओरेकल में यू कैन डिलीट ऑफ दिस, बट एसएपी में वट एवर यू हैव पोस्टेड एट अ सेम टाइम वन टाइम सो यू आर नॉट एबल टू डिलीट, कोई भी उसको डिलीट नहीं कर सकता। सपोज रॉन्गली एंट्री मेरे से पोस्ट हो गई हो, डेटाबेस लेयर क्या होता है, इनका डेटा जो बेस इतना स्ट्रांग है कि जो भी आपकी जो डेटा पोस्ट हो चुका है वो डिलीट नहीं होगा, डिलीट का ऑप्शन ही नहीं। अब सपोज मेरे को क्या करना है, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ मेरे को जनरल एंट्री करनी है, ठीक है, डेली का ट्रांजेक्शन है, मैंने रेंट पे किया, मान लो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रेंट पे, ठीक है, 5,000 टू बैंक, तो क्या होगा इसकी एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बट समवन हैज बीन गॉट अ एरर, रॉन्गली दे हैव बीन पोस्टेड रॉन्गली, और उन्होंने कुछ रॉन्ग कर दिया या फिर डेट पोस्टिंग डेट गलत ले लिया, अमाउंट गलत ले लिया, तो टैली में और उस बाकी चीजों में क्या होता है कि वहां पे हम गए और उस जो एंट्री हमने पोस्ट की है रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट उसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है, बट आप एसएपी में डिलीट नहीं कर सकते। एक बार जो एंट्री पोस्ट हो गई वो पोस्ट हो गई, अब वो रॉन्ग एंट्री पोस्टेड है तो पोस्टेड है, अब आप उसको कुछ नहीं कर सकते, हमारे डेटाबेस से यू कॉन्ट रिमूव फ्रॉम हियर, उसके लिए आपको क्या करना होगा। हालांकि एक बार जो गलतियां तो होती हैं सबसे, लेकिन अगर मेरे से कुछ गलत हो जाता है तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा उसके लिए एक और एंट्री पास करनी होगी जो कि रिवर्सल एंट्री होगी, यानी मैं उसी का जस्ट उल्टा उल्टा मार कर दूंगा, ठीक है, रिवर्स एंट्री कर दूंगा, रिवर्स एंट्री डेट मीन्स मैंने फर्स्ट एंट्री की थी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सपोज 5,000, 5,000, मैं दूसरी एंट्री उसको क्या करूंगा, मैं डिलीट तो कर नहीं सकता, मैं डिलीट करने उसका इम्पैक्ट ना पड़े, जो 5,000 है उस 5,000 का इट शुड नॉट बी इम्पैक्ट ऑन अ ट्रायल बैलेंस, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक उल्टी उल्टी एंट्री करनी होगी, क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 5,000, 5,000, इससे क्या होगा कि दोनों का रिवर्स हो गया, जिसके वजह से क्या हुआ, अकाउंट नलीफाई हो गया, रेंट भी नलीफाई हो गया और आपका बैंक भी नलीफाई हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, डेटाबेस बहुत ही तगड़ा है, यहाँ पे एक बार जो जो चीज यहाँ पे पोस्ट हो जाती है दोबारा डिलीट नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज, जो डेटा आज हम यहाँ पे एक बार जो सेव कर देते हैं वो अदर इफ यू वांटेड टू सी आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर भी एज इट इज वैसे ही मिलेगा, 10 ईयर वैसे ही मिलेगा, 50 ईयर्स, 50 ईयर्स, 99 ईयर्स, 100 ईयर्स बाद भी अगर इफ यू वांटेड टू सी द डेटा ऑन द सेम थिंग्स, आपको बिल्कुल एज इट इज वैसे का वैसा ही डेटा आपको एसएपी में मिल जाएगा, आपका डेटा कहीं नहीं जाने वाला। इन केस अगर किसी ने रॉन्गली एंट्री पोस्ट कर दिया, कुछ किया भी ना, इवन आप उसका डेटा का आप उससे लॉग भी निकाल सकते हो कि किस बंदे ने किया है, मतलब एसएपी में अगर निकालने वाले सब कुछ निकल सकता है, एसएपी में किसी ने अगर कुछ उल्टा सीधा किया या कुछ सेटिंग्स चेंजेस कर दी तो आप हर चीज का एक लॉग बनता है, वो लॉग भी हम निकाल सकते हैं। तो एसएपी का जो मेन 3 लेयर होते हैं उसमें एक पहला लेयर है डेटाबेस लेयर, डेटाबेस लेयर इन द सेंस ऑफ व्हाटएवर द डेटा हैज बीन सेव इज लाइक अ इज अ लाइफ टाइम, ठीक है, इफ यू वांटेड टू सी इज आफ्टर अ 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, 50 ईयर, 80 ईयर, 100 ईयर, you can get it the all the data as a same today is now, कभी भी आप देखना चाहते हो आप वो देख। एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर द सेकंड इज द एप्लीकेशन लेयर, तो एसएपी वर्क ऑन अ स्पेसिफिक सर्वर, ओके, दिस इज अ स्पेसिफिक सर्वर, मैंने आपको बताया था ना कि टैली टैली इज वेरी इजली गए हमने सेटअप डाउनलोड किया और उस पे काम करना शुरू कर दिया, बट एसएपी में ऐसा नहीं है। एसएपी में आपने देखा होगा क्या कि एक एप्लीकेशन लेयर एक सर्वर डिटेल्स होता है, विदाउट सर्वर डिटेल्स वी कैन नॉट कनेक्ट इट, वी कैन नॉट ऑपरेट ऑन दिस वन। याद होगा मैंने जब आप लोगों को जीयूआई आप लोगों को इंस्टॉल करवाने के बाद एक कनेक्शन बनवा रखा है ऑलरेडी, ठीक है, अगर मैं उस कनेक्शन की बात करूं तो आप ये देखोगे क्या कि जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो मेरे सारे कंपनीज के जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि यहाँ पे देखोगे AMW, मैंने जो लास्ट कंपनीज में जो मैंने काम किया जो कनेक्शन ऑलरेडी बने हुए हैं कुछ वो हैं और कुछ अभी क्या है कि मैं पार्ट टाइम में भी कनेक्शन मतलब काम करता हूँ, ठीक है, फ्रीलैंसिंग का काम भी यहाँ पे काफी इजीली मिल जाता है एक अच्छे एक्सपीरियंस के बाद, यू नो यहाँ पे क्या है ना आप पैसा बहुत अच्छा कमा सकते हो, यू कैन गेट अ मनी एंड यू कैन ऑल्सो चेंज योर लाइफ स्टाइल, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो जो एसएपी जो होता है वहाँ के कुछ लोगों की स्टैंडर्ड ही अलग होता है, लाइफ स्टाइल ही अलग होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी भी कंपनी में अगर आप जाते हो ना तो आपको लोग ऐसे आपको ऐसे बिहेव करेंगे जैसे सच काइंड ऑफ जैसे कि आप ये समझ लो एक मैनेजमेंट काइंड का बंदा है, या फिर अपने लेमन टर्म की बात करें इफ यू टॉक अबाउट अ लेमन टर्म, जैसे साहब आए हुए हैं, ठीक है,
तो कुछ उस तरीके से भी ट्रीट होता है, तो होता है। तो फिर उसके बाद एक अलग ही लाइफ स्टाइल है एक। अब हम यहाँ पे इनकम के सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, इनकम का सोर्सेज बहुत तरह के हैं। आप जॉब से कमा सकते हो, ट्रेनिंग दे करके कमा सकते हो, टीचिंग करके कमा सकते हो, फ्रीलांसिंग का वर्क उठा सकते हो। तो फ्रीलांसिंग की अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे क्या कि AMW, ब्रिटानिया, ये सारे के सारे जो है कि उनके अपने अपने रिलायंस, सारे प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी देखे देख रखे हैं। कुछ मैंने अपने जॉब से रिलेटेड और कुछ जो है मेरा मतलब पार्ट टाइम से। अब आप देखोगे क्या कि कोई भी जो है यहाँ पे सर्वर है, ठीक है, यहाँ पे जैसे जस्ट एक एग्जाम्पल ऑफ समीर अफ्रीका का है, यहाँ पे आप ये देखो रोका, ठीक है। तो रोका क्या है, जैसे डेवलपमेंट सर्वर है, प्रोडक्शन सर्वर है और ये क्वालिटी सर्वर है। क्या है आई विल डिफाइन यू, बट मैं अभी आपको ये बताना चाहूंगा एप्लीकेशन लेयर होता क्या है। एप्लीकेशन लेयर दैट मींस ऑफ व्हाटएवर वी आर वर्किंग ऑन द स्पेसिफिक सर्वर, दैट इज द कनेक्टेड विद द स्पेसिफिक सर्वर सर थोड़ा और सा जूम स्पेसिफिक कर दीजिए। हाँ एप्लीकेशन। ये तो जूम नहीं होगा, ये चीज जो है लेआउट जो है आप देख रहे हो SAP, ये SAP जूम नहीं होगा। ओके ये अगर ओके आप ओके बोलोगे तो ये तो जूम हो हाँ जाएगा ये एक्सेल। एक्सेल थोड़ा जूम हाँ कर दीजिएगा। अच्छा एक्सेल और जूम करना है, ठीक अभी सही है, अभी सही है सर। है। चलो SAP पे आते हैं। तो SAP में आप देखोगे क्या कि जितने भी SAPs हैं वो SAPs जो होते हैं किसी ना किसी स्पेसिफिक सर्वर पे। स्पेसिफिक सर्वर्स की बात करूं मैं, देखोगे क्या जैसे अब मैंने इसको राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया, तो एप्लीकेशन सर्वर, दैट मींस व्हाट एवर वी आर वर्किंग हियर या व्हाट एवर वी आर कनेक्टिंग विद द SAP, SAP विल कनेक्ट विद द स्पेसिफिक सर्वर, ठीक है। हम यहाँ से ओपन नहीं कर सकते SAP का जो ये सर्वर, हमें ये जो रोका डेवलपमेंट का, अगर हमें इसको ओपन करना है तो ये जब मैं क्लिक करूंगा तो ये स्पेसिफिक सर्वर पे एक होस्ट हुआ पड़ा, वहां से जाकर के कनेक्ट होगा, ठीक है। जिसके वजह से टैली में क्या होता था, टैली में गए तुरंत अपना डाउनलोड किया, डाउनलोड करके अपना काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पे अगर आपको प्रैक्टिस भी करना है ना, अब ये तो चलो ये तो कंपनी का सर्वर है, बट आपको सैंडबॉक्स IDS सर्वर, मैंने आपको देखा होगा कि मैंने आपको एक दिया है IDS सर्वर दिया जिसे हम बोलते हैं सैंडबॉक्स। तो इसे सैंडबॉक्स, सैंडबॉक्स क्या, सैंडबॉक्स जस्ट ओनली अ डेमो सर्वर कह सकते हो आप, या फिर हम कह सकते हैं दिस इज ओनली वन काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस सर्वर, ठीक है। प्रैक्टिस सर्वर के लिए मैंने दिया, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। उस पे कोई दूसरी कंपनियां काम नहीं कर रही है, उस पे जितने भी लोग काम कर रहे होंगे ना, ऑल काइंड ऑफ ऑल आर स्टूडेंट्स हैं या फिर कुछ एक्सपीरियंस हैं, जैसे हम हैं, हम भी रखते हैं सैंडबॉक्स सर्वर। समटाइम्स क्या होता है कुछ कुछ इश्यूज आ जाते हैं, हम डायरेक्टली हम उनके सर्वर पे जा करके कंपनी में करने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट सैंडबॉक्स रखा हुआ है उस पर हम टेस्टिंग कर लेते हैं कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये तो एप्लीकेशन सर्वर क्या हुआ, किसी ना किसी स्पेसिफिक सर्वर से ये कनेक्टेड है। विदाउट अ सर्वर वी कैन नॉट रन ऑफ द SAP, ठीक है। तो पहला क्या हुआ डेटाबेस लेयर, सेकंड इज एप्लीकेशन लेयर, और थर्ड वन इज अ प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या है, जब प्रेजेंटेशन लेयर वो होता है जब भी हम SAP को लॉग इन करते हैं। सपोज अगर मैं इसको लॉग इन करूंगा, मैं इसको लॉग इन करता हूँ या किसी को भी AMW को लॉग इन करता है, ब्रिटानिया का लॉग इन करता हूँ, ठीक है। तो ब्रिटानिया का अगर मैं लॉग इन करूंगा तो आप देखोगे क्या कि जैसे ही लॉग इन करूंगा तो आपके सामने एक इजी एक्सेस का, ठीक है, स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। आपको मैंने सर्वर, आप सबको मैंने ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइडेड अ सर्वर एंड लॉग इन ID एंड पासवर्ड। वंस वी हैव लॉग इन एंड पासवर्ड यू कैन गेट इट द न्यू इंटरफेस, ठीक है। वहां पे कुछ इजी एक्सेस आ जाता है, वहां पे इजी एक्सेस होम स्क्रीन लिखा होगा, कमांड वहां पे हम टी कोड देते हैं, टूल्स होता है, ठीक है, और कुछ ऑप्शंस होते हैं, कुछ फोल्डर्स होते हैं आपके ये लेफ्ट साइड में। तो ऑल दिस जो हमारे सामने जो आ रहा है, जो दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड अ प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। तो SAP हैव अ थ्री लेयर्स, वन इज अ डेटाबेस लेयर, एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। दिस थ्री लेयर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री लेयर SAP वर्क्स, ठीक है। अगर इन थ्री लेयर्स में से, ठीक है, एक भी मिसिंग है तो आपका SAP काम नहीं करेगा, क्लियर है। ये हो गया आपका SAP का लेयर्स। अब SAP लेयर्स की बात में अब मैं बात करना चाहूंगा SAP सिस्टम। SAP सिस्टम, SAP सिस्टम्स की बात करूं तो कितने तरह के सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हाउ मच टाइप ऑफ सिस्टम्स आर अवेलेबल इन अ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब हम अगर मैं बात करूं तो देखो जो मैंने आपको दिया है दिस इज अ डिफरेंट थिंग, दिस इज अ प्रैक्टिस सर्वर है, सैंडबॉक्स सर्वर है। बट इफ यू टॉक अबाउट अ रियल लाइव सिनारियो, अगर कंपनी में काम करते हो तो आपको कितने तरह के सर्वर मिलते हैं। तो आपको सर्वर होता है, पहला होता है आपका डेवलपमेंट सर्वर, डेवलपमेंट सर्वर, क्वालिटी सर्वर
प्रोडक्शन सर्वर, दीज थ्री सर्वर, ठीक है, दीज थ्री सर्वर्स आर अवेलेबल इन एसएपी, ठीक है। अब ये होता क्या है, लाओ मैं आपको यहीं पे एग्जांपल ले लेता हूं। डेवलपमेंट सर्वर, क्वालिटी सर्वर और प्रोडक्शन सर्वर होता क्या, यू कैन सी दिस। सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ अ ब्रिटानिया, ठीक है, एवरीवन इज नो इज द ब्रिटानिया इज अ वेरी बिग कंपनी, ठीक है। ब्रिटानिया इज अ वेरी बिग कंपनी और एवरी डे थाउजेंड ऑफ एंट्रीज हैज बीन पोस्टेड इन अ ब्रिटानिया। Either is a finance related, controlling related, MM related, PP production related, sales and distribution related, हर तरह की एंट्री मिला करके एक दिन में, suppose just take an example of thousand of entries has been posted in a day, ठीक है। तो वो जो भी प्रोडक्ट जो पोस्ट किया जाता है, ठीक, अब वो कहाँ पे होता है, प्रोडक्शन सर्वर में, ठीक। आप यहाँ पे देखोगे क्या कि यहाँ पे डेवलपमेंट सर्वर है, क्वालिटी सर्वर है और ये रहा प्रोडक्शन सर्वर, यहाँ आएगा नहीं है, ठीक है। ये तीन सर्वर होते हैं, डेवलपमेंट सर्वर, क्वालिटी सर्वर और प्रोडक्शन सर्वर। डेवलपमेंट सर्वर क्या होता है, ये देखो, फर्स्ट वन, दिस यू कैन सी द डेवलपमेंट सर्वर आई हैव रिटन ओवर देयर। डेवलपमेंट सर्वर क्या होता है, हु वर्क ऑन दिस वन, ठीक है। डेवलपमेंट सर्वर जस्ट लाइक डेमो, या कह सकते हो कि फॉर डूइंग अ चेंजेस, आपको चेंजेस करने के लिए, ठीक है, कुछ उस पे एक्स्ट्रा करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट में कोई भी नया चीज जब आता है सर्वर, ठीक है, नया चीज, नई रिक्वायरमेंट आ गई, तो वो पहले डेवलपमेंट में बनेगा, ठीक है, वो डेवलपमेंट सर्वर में। डेवलपमेंट सर्वर पे कौन काम करता है, हम काम करते हैं, यानी कंसल्टेंट, वी आर अ कंसल्टेंट, हम कंसल्टेंट बैकएंड में इसको काम करते हैं, ये हमारे लिए होता है स्पेस। इस पे कंपनी के जो यूजर्स होते हैं या फिर कंपनी के मैनेजर, सीनियर मैनेजर, और डेली एक्टिविटीज जो होती है, डेली थाउजेंड ऑफ एंट्रीज पोस्टेड किए जाते हैं, वो इस पे नहीं होता पोस्ट, ठीक है। ये सिर्फ मतलब कुछ नया डेवलप करने के लिए है, ठीक है। अब सपोज जस्ट टेक इट एग्जाम्पल कि एसएपी का एक नया रिक्वायरमेंट आया, सपोज गवर्नमेंट का लास्ट ईयर, मतलब जस्ट आई थिंक 3 to 4 ईयर पहले क्या हुआ था कि जीएसटी आया था, ठीक है। तो अब जीएसटी जब आया होगा तो जीएसटी तो अप्लीकेबल है, तो वो हर बिजनेस के लिए अप्लीकेबल हुआ। अब जब हर बिजनेस के लिए अप्लीकेबल हुआ, तो जो जो कंपनीज एसएपी पे ऑलरेडी वर्किंग थी, तो उनको भी कुछ ऐसा करना था कि उनकी भी एंट्रीज में जीएसटी का इम्पैक्ट पड़े। तो उन्होंने क्या किया, भाई जीएसटी नया था, तो उन्होंने क्या किया, कंसल्टेंट्स को बताया, ठीक है, हमें जीएसटी इंप्लीमेंट करके दो, और जीएसटी का ये क्राइटेरिया हो, जैसे ये जो 5%, ठीक है, 12%, 18%, ठीक है, सीजीएसटी होगा, एसजीएसटी ये होगा, आईजीएसटी ये, आरसीएम का जीएसटी, ठीक है, ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट उन्होंने बताया। हम क्या करेंगे, देखो बिजनेस ने, बिजनेस अगर मैं बिजनेस का नाम ले रहा हूँ, तो बिजनेस का क्या मतलब हुआ, उस जो ब्रिटानिया कंपनी के अंदर जो काम कर रहे हैं, जो जैसे कि जो डीजीएम हो गए, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एंड यूजर, वो बिजनेस रन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस रन करने, तो बिजनेस हम उसको बोलेंगे, वो हमारे लिए क्लाइंट होते हैं, हम क्या है, कंसल्टेंट है हम, तो हम क्या करेंगे, उनसे हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग की। रिक्वायरमेंट गैदरिंग मतलब उन्होंने कहा कि हमें जीएसटी करना है, जीएसटी में ये सिनारियो होने चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम उसको डायरेक्टली प्रोडक्शन पे नहीं कर सकते, प्रोडक्शन तो फाइनल स्टेज है ये, एकदम फाइनल स्टेज, जब कर करा के आ गया, हमें तो बिल्कुल अथॉरिटी नहीं होती, हम जो कंसल्टेंट है, वी डोंट हैव अथॉरिटी टू ओपन अ प्रोडक्शन सर्वर, ठीक है। हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट में हम पहले उसको डेवलप करेंगे, ठीक है, हम उनके रिक्वायरमेंट को समझेंगे, उनसे एक टाइम लाइन लेंगे, एक प्लान बनाएंगे, ठीक है। हालांकि मैं आपको आगे वाले क्लासेस में बताऊंगा कि कैसे कैसे सब कुछ रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, कैसे बिजनेस ब्लूप्रिंट बनता है, कैसे एज इज डॉक्यूमेंट क्या होता है, ठीक है, फिर आगे कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो सारे फेसेस मैं आपको बताऊंगा, बट अभी सिस्टम समझ लो आप, ठीक है। तो एसएपी सिस्टम में तीन तरह के, डेवलपमेंट सर्वर जिसमें हम कंसल्टेंट डेवलप करते हैं, कोई भी न्यू रिक्वायरमेंट आती है तो उस न्यू रिक्वायरमेंट को हम डेवलपमेंट सर्वर में हम उसको डेवलप करेंगे। अब उस डेवलपमेंट के चक्कर में, अब एक बार में तो किसी से तो डेवलप होगा नहीं, बड़े बड़े सिनारियोज तो कुछ डिलीट होंगे, कुछ आएंगे, कुछ नए तरह के सिनारियो बनेंगे, कई बार हम चेंजेस करेंगे, उन डेवलपमेंट सिनारियो में हम डेवलप कर देंगे। डेवलप करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि एक टीआर होता है, टीआर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, हम आगे देखेंगे, ठीक है, आप ऐसे आप समझो, ठीक है। तो हम जो जो भी चीज हमने डेवलपमेंट में डेवलप किया, ठीक है, डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट के लिए है, डेवलप करने के लिए नया चीज डेवलप किया, उसको हम क्या भेजेंगे, फर्स्ट वाले से सेकंड में भेजेंगे, क्वालिटी सर्वर में, यानी यहाँ पे क्यूएएस,
ये राखी वेयर्स, हम इस सर्वर में उसको ट्रांसफर कर देंगे थ्रू द टीआर। टीआर क्या है अभी आप इग्नोर करो, आगे हम देखेंगे। ठीक है, टीआर के थ्रू हमने सारी के सारे कॉन्फ़िगरेशन को मूव कर दिया क्वालिटी सर्वर में। अब जैसे ही क्वालिटी सर्वर में हमने मूव किया, अब हम बिजनेस को बोलेंगे। ठीक है, बिजनेस में जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उसको हम कहेंगे कि सर ऑलरेडी वी हैव डेवलप, ठीक है, एंड द टीआर हैज बीन मूव इन अ क्वालिटी सर्वर, सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू प्लीज डू द टेस्टिंग। मतलब आप टेस्टिंग करो, ठीक है, टेस्ट कर लो, आप सिनारियोस को रन करो और देखो कि वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो उनके जो बंदे होंगे बिजनेस के बंदे, वो क्या करेंगे, क्वालिटी सर्वर को ओपन करेंगे और उसपे जो भी हमने डेवलप किया है उसको रन करके चेक करेंगे। जैसे अब सपोज मैंने बोला आपको कि जीएसटी इंप्लीमेंट हो रहा था, तो एक नया टास्क आया जीएसटी, हमने क्या किया डेवलप कर दिया, डेवलप हमने जो भी डेवलप करना था कर दिया, करने के बाद क्वालिटी हमने कुछ टेस्टिंग कर ली अपने एंड से, बट हमने क्वालिटी में भेजा। क्वालिटी में डालने के बाद हमने बिजनेस को बोला अब आप कर लो, ठीक है, अब आपका काम है कि आप जो है इसको वो करो, मतलब टेस्ट कर लो। तो बिजनेस क्या करेगा, वो रिग्रेसिव टेस्टिंग करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप टेस्टिंग करेंगे, रिवर्स टेस्टिंग, निगेटिव टेस्टिंग, पॉजिटिव टेस्टिंग, हर तरह की टेस्टिंग करेंगे। उस टेस्टिंग में उनको बहुत सारे इश्यूज आएंगे, वो चेक करेंगे कि अब जीएसटी है तो सीजीएसटी एसजीएसटी सही कर रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं डेबिट की जगह क्रेडिट हो जा रहा है, क्रेडिट की जगह डेबिट हो जा रहा है, या अमाउंट 5% था बट 5 की जगह पे 8% पिक करने लगा तो गलत हो गया। तो वो क्या करेंगे, सब चेक करेंगे। आरसीएम, आरसीएम के बारे में सबको पता है, रिवर्स चेन मैकेनिज्म, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो हम लेते हैं फिर पे करना होता है, तो उसका उसका सिनारियो अलग होगा। तो जीएसटी में एक ये भी सिनारियो है, तो उसको भी चेक करके हर तरीके से चेक करेंगे। अगर उनको लगता है कि ऐसे अभी भी कुछ चीज बच रही है या सही से पिक नहीं हो रहा, तो वो हमें फिर से बताएंगे कि नहीं नहीं आप देखो यहाँ पे सही नहीं हो रहा, ये यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, अब ऐसा हो रहा है, तो ये तो गलत है ये वो। तो आप क्या करोगे, फिर से उसको डेवलपमेंट में जाओगे, फिर डेवलप करोगे बैकएंड में, डेवलपमेंट करने के बाद डेवलप करोगे, फिर चेक करोगे, फिर उसको क्वालिटी में फिर से भेजोगे, फिर उनको बोलोगे सर चेक करो, फिर वो चेक करेंगे, फिर चेक करने के बाद फिर कुछ गलतियां निकलेंगी, फिर डेवलपमेंट में भेजोगे, फिर आप मतलब आप जो है डेवलपमेंट में करोगे, डेवलपमेंट में डेवलप करोगे उस चीज को, चेक करोगे, फिर क्वालिटी में भेजोगे, और जब सब कुछ जब ठीक हो जाएगा, फाइनल डिसीजन हो जाएगा, तो हम मेल पे या फिर नॉर्मली मेल पे ही क्या करते हैं, हम उनसे साइन ऑफ ले लेते हैं। साइन ऑफ इन द सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस कि हमने चेक करवाया आपसे, आप बताओ सब कुछ ओके है, तो क्या अब हम इसको सीधे डायरेक्ट प्रोडक्शन पे मूव कर दें? क्योंकि प्रोडक्शन पे मूव तभी होता है जब वो पूरी तरीके से फाइनल स्टेज में बन करके रेडी है। अगर कहीं भी कुछ भी गलत होगा तो प्रोडक्शन पूरा हिल जाएगा। प्रोडक्शन हिलने का मतलब ये हो गया कि एक दिन की जो थाउजेंड ऑफ एंट्रीज हो रही है ना, उनका पूरा बिजनेस रुक जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोडक्शन पे जब भी हम भेजते हैं क्वालिटी वैलिटी करके उनका साइन ऑफ ले लेते हैं, ताकि हमारे पे भी ब्लेम ना हो कि भाई हमने अपने मन से भेजा, आपने टेस्ट किया था, आपने क्या टेस्ट किया, वो आपका इशू है, आपने किया, हमने सब कुछ ओके किया तो हमने भेज दिया। फिर हम उसको क्या करेंगे, इसको फिर लास्ट में जब मेरा टेस्टिंग हो जाएगी और फिर हम उसको प्रोडक्शन सर्वर में सेंड भेज देंगे। प्रोडक्शन सर्वर में भेजेंगे तो क्या होगा, बिजनेस यानी बिजनेस या एंड यूजर वो क्या करेंगे, इंट्रीज करना शुरू कर देंगे प्रोडक्शन में एज रेगुलर। तो दीज थ्री सर्वर, दीज थ्री सिस्टम्स आर अवेलेबल इन एसएपी। फर्स्ट इज अ डेवलपमेंट सर्वर, क्वालिटी सर्वर, देन प्रोडक्शन सर्वर। डेवलपमेंट सर्वर हु ऑपरेट, वी कंसल्टेंट ऑपरेट द डेवलपमेंट सर्वर, हम इस पे काम करते हैं। बिजनेस इज नॉट टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी इन अ डेवलपमेंट। ठीक है, क्वालिटी सर्वर, वंस वी हैव डेवलप द रिक्वायरमेंट देन वी मूव इन टू द क्वालिटी सर्वर। क्वालिटी सर्वर नथिंग, जस्ट ओनली फॉर डूइंग द टेस्टिंग, टेस्टिंग ओनली कि वट एवर वी हैव अ रिक्वायरमेंट, टेस्टिंग इज ओके एज पर आवर बिजनेस सिनेरियो, सिस्टम इज वर्किंग इज फाइन और नॉट। वंस द क्वालिटी सर्वर या वंस द टेस्टिंग हैज बीन डन, एवरी पैरामीटर्स हैज बीन मीटेड सेम, द लास्ट सिनेरियो, द लास्ट सर्वर इज अ प्रोडक्शन सर्वर। देन द लास्ट we move in a production server. Once we have moved in a production server, they start the doing of a daily transaction. ठीक है, production server पे जब ये होता है तो वहां से क्या होता है, ये धीरे धीरे सब लोग start कर देते हैं इस पे काम करना। ठीक है guys?